बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। मैं क्यों करूँगी यार ऐसा? मैं जहाँ बात कर रही हूँ खुद कि ये सारी चीज़ें बंद करने की, मैं उसमें खुद ही क्यों प्रमोट करूँगी? मैं सच में इन लाइफ मैं अपनी कसम खा। अंशु बिल्कुल सच बोल रही है, मुझे तो यही लग रहा है। मेरा अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे तो ये लग रहा है। देखो उसका पूरा शरीर शिवरिंग कर रहा है, वो कांप रही है, बिल्कुल चेहरे से उसको लग रहा है। बिल्कुल सही बोल रही, वो हमेशा तुम्हारे साथ रही है, वो हमेशा रहेगी भी। उसे गलत मत समझो सपना। हेलो दोस्तों, तो गाइस बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है कि अंशु का चैनल किसी ने हैक कर लिया। जी हाँ, अभी जस्ट अंशु ने एक वीडियो अपलोड किया था, थोड़ी मतलब 5-6 घंटे पहले शायद उसने एक वीडियो अपलोड किया था, 4 या 5 बजे के लगभग। फिर उसने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले फिर 8 बजे रात में अभी वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो काफ़ी परेशान दिख रही है और वो बता रही है कि उसका चैनल किसी ने हैक कर लिया है। और जो वीडियो मैंने डाला था अभी शाम को, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्लीज़ भाभी की मदद करो और उनके वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स मत करो, हेट वाले कमेंट मत करो, क्योंकि भाभी डिप्रेशन में चली जाती है और भाभी कोई भी चीज़ें होती है ना, अगर कुछ उन्हें दिल पे लग जाती है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सभी से ये ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप उनको नेगेटिव कमेंट मत करो, आपने उनको कितना गंदा गंदा बोला है, चुड़ैल बोला या जडायन बोला, अपने दो पतियों को खा गई है और सारे चैनल हड़प कर बैठी है, ऐसी चाची ऐसी सारी चीज़ें आप बोलेंगे तो कोई भी इंसान है, एक तो अपने परिवार से बिछड़ गई है, फिर उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, उसने क्या क्या दर्द सहे हैं वो अंशु समझती है, काफ़ी ऑडियंस समझती है, काफ़ी नहीं समझती है, कुछ को ड्रामा लग रहा है, कुछ तो अभी भी इतने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता, कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो बोलती है कि जिसके ऊपर जो गुजरी है वही जानता है, इसके अलावा उसकी तकलीफ़ और दुख दर्द को कोई नहीं जान सकता। बड़ा दुख होता है, पता नहीं जनता कहाँ से आती, कैसे दिमाग सोच कर आती है। हाँ बस मैं ज़रूर ये सपना को कहना चाहती हूँ कि वो उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रही है। नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको क्यों पढ़ती है और क्यों दिमाग में लेना है भाई, उसको छोड़ो ना। अपना जो भी आपको करना है उस पर ध्यान लगाओ अपना। सब लोग यही समझा रहे हैं कि भाई आप अपना जो रास्ता तुमने चुन लिया है उस पर अब आगे बढ़ो, अपने बच्चियों को देखो, अपने परिवार को देखो, अपना जो काम है तुम्हारे जो चैनल है उन पे फोकस करो और वीडियोस डालो, अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करो। अब तुम वीडियोस बनाओगी और तुम अपना जब रहोगी क्या है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है, कुछ भी करोगी ना तो लोगों को कमेंट्स करना ही है, ये जनता है, किसी को नहीं छोड़ती है। तो जब उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हुए या किसी को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो एक जनता है, हमें क्या छोड़ेंगी ऑडियंस, तो हमें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और अंशु काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि अंशु तुम परेशान मत हो, प्लीज़ तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अब ये तुम्हारा पढ़ने का समय है। माना कि तुम्हें भाभी की बहुत चिंता है, सभी लोगों को चिंता है, और वो बोल रही है अब मतलब जो कुछ बचा कुचा मेरे ऊपर विश्वास था भाभी का वो टूट गया है, भाभी मुझसे यही बोल रही कि अंशु तूने लाइक किया है मेरे जो बैड कमेंट्स हेट कमेंट्स आए हैं उस पर तेरे लाइक दिखा रहा है, पर वो कह रही मैं भाभी ऐसा क्यों करूँगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंशु का जो वीडियो देखकर मुझे लग रहा है कि अंशु सच बोल रही है, मतलब वो इतना दुखी है उसका चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सपना तुम्हें यह बात समझनी चाहिए और सपना को सभी लोग बोलिए कि भाई ये बात को वो समझे। अगर उसको ऐसा लगता है कि अंशु उसके साथ धोखा कर रही है तो अब नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा ना करे, अपनी कुछ पर्सनल बातें उसको पर्सनल रखे बस। अगर तुम्हें अंशु से आगे रिलेशन चलाना है तो अपना हालचाल पूछ लिया, उसकी स्टडी के बारे में पूछ लिया, बच्चों के बारे में बता दिया, अगर ज़्यादा ही इतना दिक्कत है तो अपना उतना ही मैनेज करके रखो, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मुझ पर इतना विश्वास करती थी कि कुछ भी हो जाए मैं अंशु का मतलब भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी या वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, अब वो सारा विश्वास कहाँ चला गया। वो बच्ची कितनी परेशान है, अब अगर सारी चीज़ें चलेगी तो उसका तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा पता नहीं, और ये भी दिमाग में आता रहता है कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो प्लीज़ आप दोनों भी अपने रिश्ते को बनाए रखो, अंशु भी बनाए रखे और सपना तुम भी बनाए रखो। अगर नहीं रखना है तो मिनिमम कम से कम इतना तो रखो कि एक दूसरे का हालचाल लेते रहो बस, इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही हैक करने की, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है इन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं, और वो कौन है कौन नहीं है ये लोग तो खुद ही इनको समझदार हैं, इन्हें समझ जाना चाहिए कि हमारे कौन दुश्मन है और ऐसा कौन कर सकता है। ये बातें सपना को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है अंशु से, अंशु तो काफ़ी समझदारी यहाँ पर दिखाई दे ऐसा लग रहा है, पर सपना कुछ भी चीज़ें समझने को तैयार नहीं है और समझ भी नहीं पा रही है।
काफ़ी लोग उसे समझा रहे हैं, काफ़ी ऑडियंस समझा रही है, सब लोग समझा रहे हैं, सब उसके साथ है और उसकी फैमिली भी हैं, इवन मम्मी उसके साथ में है, भाई साथ में है, भैया भाभी साथ में हैं, बच्चे हैं। उसको ये देखना चाहिए, अभी तक सपना का कोई वीडियो नहीं आया, देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करती है और क्या करती है, क्या हम लोगों को जवाब देती है। पर यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, अंशु बहुत परेशान है, जैसे मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगी कि वो क्यों परेशान है और उसने क्या कहा। लाइक करूंगी मैं 3 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है मेरा, उस टाइम पे मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह किसी पर भी ऐसा एक्टिव नहीं रहती, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहती बिल्कुल भी उस टाइम में, 3 से 7 बजे के बीच में। और अभी बज रहे हैं पता नहीं 7:30 बज रहे हैं, 1 घंटे पहले जो कॉमेंट आया है उस पर लाइक है, मेरे को भाभी ने स्क्रीन शॉट्स भेजे हैं कि ये देख कितने गंदे गंदे जो कॉमेंट्स आए हैं, तूने उन पर लाइक किया, इतना क्या हो गया जो तूने इतना, मतलब मेरी वो भी बिलीव नहीं करेंगी, वो ना कर रही हैं। बट आज सच में उस स्टेज पे पहुंचा दिया है किसी ने, जहाँ पे जितना भी था, जितना यकीन था उनको मेरे पे, वो पूरा टूट दिया। जिस उससे कहती थी ना वो कि हाँ मैं अंशु से कुछ भी बता सकती हूँ, वो मेरी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी मेरे अगेंस्ट, मेरे को हमेशा से है कि मैं कभी, वो मतलब मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगी कभी भी, कुछ भी नहीं बोलेगी। वो जो चीज़ थी ना आज, वो जो ट्रस्ट था और जो था, मतलब सब खत्म कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। जिस वीडियो में मैं खुद कह रही हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दो किसी के लिए भी, उस वीडियो में मैं खुद नेगेटिव चीज़ों को क्यों प्रमोट करूँगी, क्यों उन्हें लाइक करूँगी यार, प्लीज़ समझो। मैंने वो चीज़ नहीं की है। मेरे जीमेल मैंने चेक किया लॉकडाउन में, उसमें मैंने देखा डिवाइसेस में 3 डिवाइसेस जो गुजरात के थे, उन 3 डिवाइसेस में मेरा फ़ोन जो था लॉगिन हुआ है 7 घंटे पहले, 7 घंटे पहले हुआ है, 1:30 पहले एक्टिव था, 1:25 पहले एक्टिव था, मुझे नहीं पता। तो मैंने अभी जल्दी से आईडी पासवर्ड बदला है मेरे जो चैनल है उसका, तो बिलीव मी मैंने नहीं किया है। मैं क्यों करूँगी यार ऐसा, मैं जहाँ बात कर रही हूँ खुद कि ये सारी चीज़ें बंद करने की, मैं उसमें खुद ही क्यों प्रमोट करूँगी। मैं सच में इन लाइफ, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं कुछ भी करूँगी मेरी लाइफ में, पर लेकिन मैं कभी भी भाभी के अगेंस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को भी पता है वो अकेली है, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो उसी से चीज़ से कर सकती हैं, मैं उनका वो सब खराब क्यों करूँगी। मेरे को